दरमियान तेमणे स्कूलना विद्यार्थीओने संबोधन करता कहूं के शुं तमने तमारी स्कूलनी जन्म तारीख याद छे। स्कूलनो जन्म दिवस पण याद राखवो खूब जरूरी छे। स्कूलनो जन्म दिवस तमारे उजवो जोईए। तेमणे वधुमां कहूं के देशमां नवी राष्ट्रीय शिक्षण नीति बनावामां आवी छे। आटला वर्षो सुधी आपणे शाळाओमां शिक्षणना नामे बाळकोने मात्र पुस्तकीय ज्ञान आप्युं छे। नवी राष्ट्रीय शिक्षण नीति ए जूनी अप्रस्तुत व्यवस्थाने बदली रही छे। क्या आपको मालूम है कि आपकी स्कूल का स्थापना दिवस या आपकी स्कूल का जन्मदिन कब होता है? जन्मदिन यानी वो कौन सा दिन था जब आपका स्कूल उस गांव में शुरू हुआ था? और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चों को या स्कूल की मैनेजमेंट को या टीचर को किसी को पता नहीं होता कि जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं या जिस स्कूल में वो पढ़े थे वो स्कूल कब शुरू हुई। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अखिल भारतीय शिक्षण संघना अधिवेशनमां भाग लेवा शुक्रवारे गुजरातना गांधीनगर पहोंच्या हता। અહીં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે ભારત જ્યારે વિકાસના સંકલ્પ સાથે આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે શિક્ષકોની ભૂમિકા વધુ વધે છે। પીએમએ કહ્યું છે કે એક સમય ગુજરાતમાં ડ્રોપઆઉટ રેટ 40% આસપાસ હતો, પરંતુ આજે તે ઘટીને 3% થઈ ગયો છે। ગુજરાતના શિક્ષકોના સહકારથી જ આ શક્ય બન્યું છે। પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે ગુજરાતના શિક્ષકો સાથેના મારા અનુભવે અમને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ નીતિઓ ઘડવામાં મદદ કરી છે। उदाहरण तरीके शाळाओमां शौचालयना अभावने कारणे मोटी संख्यामां छोकरीओ शाळा छोड़ी देती हती, तेथी ज अमे शाळाओमां छोकरीओ माटे अलग शौचालय मेळवा माटे एक विशेष अभियान शुरू कर्युं। जे शिक्षा नीति प्रैक्टिकल पर है, आधारित है। अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग, अब कहा जाता है टीचिंग का कालखंड पूरा हो गया, अब लर्निंग के ही द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है, चाक के बारे में कुछ सिखाना है, अगर आप बच्चों को लेकर कुमार के घर जा सकते हैं। सीबीएसई बोर्डे शुक्रवारे धोरण 10 અને ધોરણ 12 નું પરિણામ એક સાથે જાહેર કર્યું હતું। 10માં ધોરણમાં 93.12% વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે, જ્યારે 12માં ધોરણમાં 87.33% ઉમેદવારો સફળ થયા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિદ્યાર્થીઓને તેમની સફળતા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે। પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે હું તમામ એક્ઝામ વોરિયર્સને અભિનંદન આપું છું જેમણે સીબીએસઈ ધોરણ 12ની પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક પાસ કરી છે। મને આ યુવાનોની મહેનત અને સંકલ્પ પર ગર્વ છે। યુવાનોની સફળતામાં જેમણે પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે તેમની હું પ્રશંસા કરું છું। આ માટે તેમના માતા પિતા અને શિક્ષકોને પણ અભિનંદન પાઠવું છું। આ વખતે 10 ધોરણમાં 94.25% છોકરીઓ પાસ થઈ છે, જ્યારે છોકરાઓની પાસ થવાની ટકાવારી 92.27% છે। ખુશી બહુ હે, લેકિન થોડા સા મતલબ સેટિસ્ફેક્શન નહીં, ક્યોંકિ હિસ્ટરી મેં ઓર નંબર આના ચાહિયે થા। આગે અભી ડ્યુ કે લિયે પ્રિપેર કર રહા હું। प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा थी और मार्क्स भी ठीक है, लेकिन और होना चाहिए। हिस्ट्री एसी शी सेड कि हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो गया है। फ्यूचर में आई हैव थॉट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई गेस अगर इफ लाइक बाय गॉड्स ग्रेस आई गेस आई विल गेट देयर। आई जस्ट वांटेड टू बी देयर। अलाहाबाद हाईकोर्टे ज्ञानवापी मस्जिद में मड़ेला कथित शिवलिंग नू कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वे करने आदेश आप्यो छे। शुक्रवार जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने बेंचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शिवलिंग उपरना भाग नू सर्वेक्षण करने आदेश आप्यो। आ शिवलिंग 16 मे 2022 रोज ज्ञानवापी केम्पस वजूखाना में जोवा मळ्युं हतुं। वाराणसी जिला न्यायाधीशे कार्बन डेटिंग की मांग करती अरजी ने फगावी दीधी थी। अगाउ 20 मार्चे योजाली सुनावणी में कोर्टे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूछ्यु हतुं कि शुं शिवलिंग ने नुकसान पहोंचाड्या विना कार्बन डेटिंग करी शकाय छे। पिटिशन एडवोकेट विष्णु शंकरे जैन कह्युं छे के तपास द्वारा शिवलिंग की उमर जाणी शकाशे, परंतु हजु सुधी एएसआईए हाईकोर्ट में कोई जवाब दाखिल कर्यो नथी। तेर मे रोज कर्नाटक में विधानसभा 224 बैठक पर मतगणतरी हाथ धरम आवशे, त्यारे कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई शुक्रवार जणाव्यु कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बहुमती जीत हासिल करशे।
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार 141 बैठकों विषय विचारी रहा छे, तेमने विचारीने खुश थवा दो। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हार नो सामनो करो पड़शे, कारण के कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी ने पसंद करे छे। We never did it. One year they only ruled, no? One year it was a coalition government and it failed miserably. Sir, D.K. Shivkumar says it is they did the unholy alliances. Sir, D.K. Shivkumar says that Congress party will come around 141 is what he is guessing. How much is let him be happy with 141 till tomorrow. The reality will be there. शनिवारे कर्नाटक विधानसभा की 224 बैठकों माटे मतगणतरी हाथ धरवामां आवशे, जेने लईने चूंटणी पंच द्वारा पण तैयारीओ पूर्ण करी देवामां आवी छे। आ बधा वच्चे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमारे जणाव्युं छे के हुं डाउन टू अर्थ व्यक्ति छू, क्यारेक एक्झिट पोल सफळ थाय छे अने क्यारेक निष्फळ जाय छे। एक्झिट पोलनी पोतानी थियरीओ छे, हुं तेना पर विश्वास करतो नथी, परंतु कर्नाटकमां कांग्रेस पार्टी बहुमती साथे कांग्रेसनी सरकार बनावशे। आई डोंट सी, आई एम अ प्रेक्टिकल ग्राउंडेड मैन. We know exit poll. They are their own theory. I don't tell there is wrong. Many of them have succeeded, many of them have failed. But we don't go by that samples. We don't go by them. Practically, I am a practical man. I have also made 3-4 times of surveys. All surveys are coming in differently. But my sample size is too high. In that, we will have a comfortable measure. कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी परिणामों शुक्रवार जाहिर थशे, त्यारे कांग्रेस नेता जयराम रमेश निवेदन आपता जणाव्युं छे के तमाम एक्झिट पोल दर्शावे छे के कांग्रेस पार्टी आगळ छे, भाजप ने कोई बहुमती आपी नथी। आ वखते कर्नाटक में अमारी व्यूहरचनानो एक ज सिद्धांत हतो के आ स्थानिक चूंटणीओ छे, प्रधान पद माटेनी चूंटणी नहीं। अमे अमारी व्यूहरचना स्थानिको माटे आगळ वधावी छे अने आ वखते कर्नाटक में चोक्कस कांग्रेसनी जीत थशे। की बात एक ही लाइन में कहूंगा, हमारी जीत कर्नाटक में प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था, एक ही व्यक्ति रोड शो कर रहे थे, एक ही व्यक्ति प्रचार कर। इस बारी योगी वी का कुछ चला नहीं, अमित शाह का कुछ चला नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री सब जगह। कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए हैं, और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 में खुला है। कर्नाटक विधानसभा की मतगणतरी पहला कांग्रेस और भाजपा नेताओं बहुमती साथ जीत मेळवानी बात करी छे, त्यारे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवालाए कहूं छे के मोदी जी और भाजप मूंझवण में हता अने तेमनी ध्रुवीकरण व्यूहरचना वड़े एजेंडा बदलवा मांगता हता, परंतु लोकोए तेमने तेम करवा दीधुं न हतुं। एक वात स्पष्ट छे के भाजपे कर्नाटक में पोतानी हार मानी लीधी छे। Was the one which was confused at times, and they wanted to change the agenda by their polarizing tactics. But Kannadigas, as also our Congress leadership, did not permit them to move away. As far as predictions are concerned, I will like, we are deeply humbled and with a sense of humility, while thanking people of Karnataka, I say, let us wait. Till tomorrow, the results will be out. It will be clear. We will make a detailed comment there. राजस्थान में भ्रष्टाचार ना मुद्दे कांग्रेस ना वरिष्ठ नेता ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 5 दिवसीय जनसंघर्ष यात्रा आयोजित करी छे। अजमेर थी शुरू थे 125 किलोमीटर की जनसंघर्ष यात्रा में मोटी संख्या में लोग जोड़ाया छे। राजस्थान में भ्रष्टाचार और नबड़ी कायदो व्यवस्था विरोध में अजमेर थी काढ़वामां आवेली सचिन पायलट की आ पदयात्रा ने मुख्यप्रधान अशोक गहलोत विरुद्ध गणवामां आवी रही छे। जो कि कांग्रेस नेतृत्व हाल में यात्रा में हस्तक्षेप करने इनकार कर रहा है। 2018 थी मुख्यप्रधान पद माटे सचिन पायलट और अशोक गहलोत वच्चे टक्कर चाली रही होवानु देखाय छे। आ कारणे बन्ने नेताओं घणी वक्त जाहिर में एक बीजा विरुद्ध आकरा निवेदनों पण आव्या छे। प्रवास शुरू करता पहला सचिन पायलटे अशोक गहलोत पर जोरदार प्रहारों कर्या हता। तेमणे कह्युं के एवुं लागे छे के मुख्यमंत्री गहलोत ना नेता सोनिया गांधी नहीं परंतु वसुंधरा राजे छे। के बच जनता के भी जाना चाहिए, नौजवानों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि आज नौजवान एक तरह से नाउमीद हो सा रहा है, क्योंकि एग्जाम देते हैं लाखों रुपए परिवार खर्च करता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर लोगों की कभी ओवरेज हो जाते हैं, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है। उसमें भी अगर हम कहीं
पारदर्शी तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो मन में ग्लानि तो होती है, तो लोगों को समझना, लोगों को सुनना, लोगों की आवाज बनना, इस मुद्दे को लेकर जनसंघर्ष यात्रा में निकल रहा है। हमारा नेता 125 किलोमीटर की पद यात्रा निकाल रहे हैं, प्रदेश का तमाम युवा उनके साथ आज सड़कों पे इस 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में चल रहा है। राजस्थान कांग्रेस में छेल्ला केटलाक समय थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत वच्चे विवाद चली रह्यो छे। एक बाजू चाली रहा विवाद नो अंत आवतो नथी ने बीजी बाजू कांग्रेस नेता सचिन पायलटे अजमेर थी जनसंघर्ष यात्रा की शुरुआत करी छे। आ यात्रा नो शुक्रवार बीजो दिवस छे त्यारे सचिन पायलटे जणाव्युं के राजस्थान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले तपास थवी जोईए। जनसंघर्ष यात्रा में लोग मोटी संख्या में जोड़ाई रहा छे, तेना परथी साबित थाय छे के राजस्थान की जनता राजस्थान में परिवर्तन इच्छे छे। मई का महीना है लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि जो इश्यू मैंने उठाए हैं मैं समझता हूं वो प्रासंगिक हैं, और करप्शन के इश्यूज, नौजवानों के भविष्य के इश्यूज हम सब लोगों को इफेक्ट करते हैं, और हम जो लड़ाई भी लड़ रहे हैं यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है, उम्मीद करते हैं कि जो मैंने बातें रखी हैं उसका संज्ञान लें, और ये जो जनसंघर्ष यात्रा है ये जनता की आवाज सुनकर जनता के आवाज बनने का हमारा प्रयास है, और मैंने कहा मां से नहीं बहुत पहले से हमें करते आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार कहूं कि हमारी पार्टी एक बीजा ने मड़िया पछी राजनीति बन रणनीति बनावे छे, हूं तेमने दरेक वस्तु ने जाण करी दू तो पछी अमारी पासे शुं रहे छे। आवतीकाले कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी माटे मतगणतरी थवानी छे, त्यारे मतगणतरी पहला खड़गे ना घरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक मळी हती। यही तो मुश्किल है, हमारे जो पार्टी की स्ट्रेटेजी रहती है एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं क्या करना क्या नहीं आगे, ये अगर सब बताते ही गए तो सब उसमें रहे। वेलकम बैक। महाराष्ट्र में बड़वाखोर धारासभ्य ने गैरलायक ठेरवाना मुद्दे शिवसेनाए आक्रमक वलण अपनाव्यु छे। विवादास्पद मुद्दा पर कार्यवाही करवा माटे स्पीकर ने 15 दिवस की समय मर्यादा आपवामां आवी छे। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता अनिल परबे कहूं छे के तेओ अपेक्षा राखे छे के स्पीकर 15 दिवस में कार्यवाही करे। उद्धव जूथनी दलील छे के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पोते एक वकील छे अने प्रक्रियाओं सारी रीते समझे छे, आ मामलाओं ने लगती तमाम बाबतो पण रेकॉर्ड पर छे। उद्धव ठाकरे वधुमां के जो विधानसभा स्पीकर निर्धारित समय में कार्यवाही नहीं करे तो तेमनी पासे सुप्रीम कोर्ट नो दरवाजो खटखटावानो पण विकल्प छे। महाराष्ट्र में सत्ता और शिवसेना संघर्ष ने लई सुप्रीम कोर्ट निर्णय बाद राजकीय गतिविधियों तेज थी। कोर्ट निर्णय बाद शुक्रवार उद्धव ठाकरे नैतिकता आधार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजीनामा की मांग करी थी। आ मामले एनसीपी नेता अजित पवार कहूं कि एकनाथ शिंदे राजीनामा की मांग करनी योग्य नहीं, अमे जाए कि सपना में राजीनामु नहीं आपे। भूतपूर्व वडाप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी अत्यारना लोकोना दुनियानो तफावत छे। आगामी विधानसभा सत्र जुलाई महीना में योजावा जई रह्युं छे, अमे अमारा अधिकारों उपयोग आ मुद्दा पर करीशुं। कांग्रेसना नेता नाना पटोले तात्कालिक मुख्यप्रधान उद्धव ठाकरे की सलाह लीधा विना स्पीकर पदेथी राजीनामु आपी दीधुं हतुं, ने जो तेओ स्पीकर तरीके चूंटाया होत तो शिंदे जूथना 16 धारासभ्यने गैरलायक ठेरवामां आव्या होत। महाराष्ट्र सरकारे मुंबईना पूर्व पोलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मोटी राहत आपी छे। परमबीर सिंह सामेना तमाम आरोपों पाछा खेंची लेवामां आव्या छे। आ साथे ज राज्य सरकारे डिसेम्बर 2021 में जारी करायेला सस्पेन्शन आदेशों रद्द कर्या छे अने कह्युं छे के सस्पेन्शन दरमियान फरज पर हतो। नोंधपात्र बात ए छे के परमबीर सिंह सामे खंडणी भ्रष्टाचार अने गैरवर्तणूकना अनेक केसोनो सामनो करी रह्या छे। एंटेलिया बॉम्ब केस में कथित केस में 17 मार्च 2021 रोज परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस ना कमिश्नर पदे थी दूर करवामां आव्या हता अने तेमने होमगार्ड विभाग ने जवाबदारी सौंपवामां आवी हती। सीबीआईए परमबीर सिंह सामेना आ आरोपों की तपास हाथ धरी हती ने 5 अलग अलग एफआईआर नोंधवामां आवी छे। छत्तीसगढ़ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेले शुक्रवार आरोप लगवायो हतो के एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एटले के ईडी तेमने राज्यना कथित दारू कौभाड में फसावानो प्रयास करी रही छे। तेमणे कह्युं छे के अत्यार सुधी अमे कह्युं हतुं के ईडी भाजपना एजेंट तरीके काम करे छे ते साचुं साबित थयुं छे। तेओ खोटा केस करीने लोकोने धमकी आपी कथित एक्सरसाइज कौभाड में
મારું નામ નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે છત્તીસગઢમાં બઘેલના નેતૃત્વવાળી સરકારને બદનામ કરવાનો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અહીં ટકી શકવા સક્ષમ નથી, તેથી તે તેની ગૌણ સંસ્થા તરીકે ઈડીનો દુરુપયોગ કરી રહી છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને દિલ્હીના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયા હાલ જેલમાં રહેશે. શુક્રવારે દિલ્હી લીકર પોલિસી કેસમાં સુનાવણી પછી રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે સિસોદિયાની ન્યાયિક કસ્ટડી 2 જૂન સુધી વધારી દીધી છે. સિસોદિયાએ દિલ્હી સરકાર અને કેન્દ્ર વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદને લઈને એક દિવસ પહેલા આવેલા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું છે કે મોદીજીએ બંધારણનું પાલન કરવું જોઈએ. ગઈકાલે સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી સરકારની તરફેણમાં જે નિર્ણય આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે દિલ્હી સરકાર પાસે સેવાઓ પર કાયદાકીય અને કાર્યકારી સત્તાઓ છે. આ તે જ સત્તા છે જે દિલ્હી સરકારને મળી છે. જોકે રાજધાની દિલ્હી અન્ય કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોથી અલગ છે, તેથી તેને પોલીસ કાયદો અને વ્યવસ્થા અને જમીન જેવા કેટલાક ભાગો સિવાય દરેક વસ્તુ પર વિધાનસભાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. દિલ્હીમાં અધિકારીઓની બદલી અને પોસ્ટિંગ મામલે બંધારણીય બેન્ચના નિર્ણયના બીજા જ દિવસે કેજરીવાલ સરકાર ફરી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચી છે. સેવા સચિવની બદલીનો મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર સચિવની બદલી નથી કરી રહ્યું. સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી માટે સંમતિ આપી છે. સીજેઆઈ ડીવાય ચંદ્રચૂડે કહ્યું છે કે તેઓ આવતા અઠવાડિયે બેન્ચની રચના કરશે. દિલ્હી સરકાર વતી અભિષેક મનુ સિંઘવીએ કહ્યું છે કે એક રીતે આ તિરસ્કાર સમાન છે, આ માટે સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચની રચના કરવી જોઈએ. તો બીજી તરફ સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડની આગેવાની હેઠળની બંધારણીય બેન્ચે કહ્યું છે કે અમલદારો પર ચૂંટાયેલી સરકાર દ્વારા નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મન કી બાતના 100મા એપિસોડમાં ન આવવા બદલ 36 નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ આ અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદન કર્યું છે. તેણે મન કી બાતને મંકી બાત કહી છે. ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે મેં મંકી બાત પણ સાંભળી નથી, એકવાર પણ નહીં, ક્યારેય સાંભળશે પણ નહીં. શું મને પણ સજા થશે? શું મને એક અઠવાડિયા માટે ઘર છોડવાની મનાઈ કરવામાં આવશે? મહત્વનું છે કે ચંદીગઢના પીજી મેર વહીવટીએ પીએમ મોદીની મન કી બાતના 100મા એપિસોડમાં હાજરી આપવા માટે 36 નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓને હોસ્ટેલ છોડવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. પીજી મેયર સત્તાવાળાઓએ લેખિત આદેશ જારી કર્યો છે કે જેમાં જણાવાયું છે કે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગ એજ્યુકેશનના તમામ નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓએ કેમ્પસ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવો જોઈએ. શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટે ફિલ્મ ધ કેરેટ સ્ટોરીના નિર્માતાઓની અરજી પર સુનાવણી કરતા પશ્ચિમ બંગાળ સરકારને ફટકાર લગાવી છે અને તમિલનાડુ સરકાર પાસેથી જવાબ પણ માંગ્યો છે. કોર્ટે પશ્ચિમ બંગાળ સરકારને નોટિસ પાઠવી છે. આ ફિલ્મ 5 મેના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી, પરંતુ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે રાજ્યમાં ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. આ મામલાની સુનાવણી કરતા ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડે કહ્યું છે કે જ્યારે ફિલ્મ આખા દેશમાં પ્રદર્શિત થઈ રહી છે તો બંગાળમાં કેમ નહીં? લોકોને નક્કી કરવા દો કે ફિલ્મ સારી છે કે ખરાબ. સુપ્રીમમાં મામલે આગામી સુનાવણી 17 મેના રોજ થશે. વકીલ હરીશ સાલ્વેએ કહ્યું છે કે 5 મેના રોજ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશનના પ્રમાણપત્ર પછી ફિલ્મ રિલીઝ કરવામાં આવી હતી. પશ્ચિમ બંગાળે ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. પંજાબના અમૃતસરમાં આવેલા ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં થયેલા બ્લાસ્ટમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. મળતી માહિતી મુજબ આ બ્લાસ્ટ અમૃતપાલસિંહના સમર્થકો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ખાલિસ્તાની સમર્થક અમૃતપાલસિંહની ધરપકડ બાદ તેના સમર્થકો દ્વારા પંજાબમાં અલગ અલગ હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા છે. પંજાબમાં છેલ્લા 5 દિવસોમાં 3 બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે મળતી જાણકારી મુજબ અમૃતપાલના સમર્થક આઝદબીર અને તેના સાથી કે જેમણે સ્થાનિક સ્થળ પર આતંકી મોડ્યુલ ઉભું કર્યું છે. અમૃતસરના સુવર્ણ મંદિરની નજીક થયેલો વિસ્ફોટ પર પંજાબના ડીજીપીએ જણાવ્યું કે અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એક ટ્વીટ દ્વારા તેણે કહ્યું છે કે ધમકીનું રહસ્ય ખુલી ગયું છે. વેલકમ બેક. રેલવે સૈન્યની અગ્નિપથ યોજના હેઠળ સેવાનિવૃત્ત થતા અગ્નિવીરોને તેના અલગ અલગ વિભાગોમાં સીધી ભરતીમાં નોન
गेजेटेड पोस्ट पर 15% अनामत आपवानो निर्णय लीधो छे। साथे साथे अग्निवीरो ने वय मर्यादा ने शारीरिक कसोटी में पण छूट अपाशे। सूत्रों जणाव्या प्रमाणे रेलवे सुरक्षा दल में पण अग्निवीरो माटे एक अनामत नीति हेठळ विचारणा चालू छे। रेलवे अग्निवीरो लेवल 1 और 2 ना पदों पर क्रमश 10% और 5% होरिजोंटल अनामत आपशे। रेलवे बोर्डे तमाम जनरल मैनेजर ने जाहिर करेला पत्र में जुदी जुदी रेलवे भर्ती एजेंसी ने छूटनो लाभ आपवा जणाव्युं छे। अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों राज्य सरकारों और उद्योग एकमों समान नौकरी अनामत योजनाओं माध्यम थी पूर्व अग्निवीरों ने योग्य कारकिर्दीनो विकल्प आपवानो प्रयास करे छे। अत्यारे गर्मीनुं वेकेशन चाली रह्युं छे अने लोको खास करीने उत्तर भारत में फरवा जवानो प्लान करता होय छे, त्यारे आवा समय भारतीय रेलवे द्वारा मां वैष्णो देवीना दर्शन माटे खास पेकेजनी जाहेरात करवामां आवे छे अने तेनो लाभ लेवा माटे थोड़ा ज दिवसो बाकी छे, जेथी जो तमे कोई प्लान करी रह्या हो तो आ समाचार तमारा माटे छे। आरटीसी आईआरसीटीसी द्वारा जाहिर करवामां आवेला आ पेकेज में कुल 3 रात और 4 दिवसनुं पेकेज छे अने भारतीय रेलवेनुं आ एक खास ट्रेन पेकेज छे। आ पेकेज में जो तमे लाभ मळे तो तमारा थर्ड एसी में यात्रा करनी पड़े। आईआरसीटीसी द्वारा पैकेज की यात्रा 15 मई शुरू कर। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान मोर्चा धीमे धीमे खतरनाक बनी रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटे ट्वीट करीने मोचा चक्रवात पर अपडेट आपता लख्यू छे कि मोचा पोर्ट ब्लेर थी लगभग 520 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी ने अड़ी ने आगे आवेलो छे। आजे ते तीव्र चक्रवाती वावाझोड़ा में फेरवाई गयु छे ने ते बांग्लादेश म्यांमार ना दरियाकांठा तरफ आगे वधे तेवी शक्यता छे। Likely to be make landfall as a very severe cyclonic storm. Under its influence, also we are expecting some damage for over particularly for northeast states, particularly Tripura, South Mizoram, and Manipur. These states likely to get some affected because of this system. Also, wind speed currently inside the sea is around 125 to 135 kilometer per hour. भारतीय हवामान विभागे चक्रवात मोचा अंगे जणाव्युं छे कि मोचा धीरे धीरे गंभीर स्वरूप धारण करे छे ते बांग्लादेश म्यांमार ना दरियाकांठा तरफ आगळ वधे छे। नीचाणवाळा विस्तारोमांथी लोकोने स्थळांतर करवाना आदेश आप्या छे। हवामान विभागे एक ट्वीट करीने कह्युं छे कि चक्रवात मोचा 12 मेना रोज पोर्ट ब्लेर थी लगभग 520 किलोमीटर पश्चिम उत्तरमां दक्षिण पूर्व संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी पर केन्द्रित है। रविवारे मोचा चक्रवात बांग्लादेश म्यांमार सरहद पर दस्तक आपी शके छे। 175 किलोमीटर प्रति कलाक की झड़पे जोरदार पवन फूंकाशे। एनडीआरएफ की बीजी बटालियन ना कमांडर गुरमिंदर सिंह कहूं छे कि चक्रवात ना मोचा 14 मेना रोज अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान में फेरवाई जशे, जेथी तेना पर सतत नजर राखवामां आवे छे। चक्रवात ने कारण हवामान विभागे कहूं छे कि शनिवारे त्रिपुरा और मिजोरम में भारे वरसाद की संभावना छे। बंगाल SDMA के रेगुलेशन पर एज ए प्रिवेंटिव मेजर हमने जो है 8 टीम्स जो है वो डिप्लॉय की हैं, जिसमें 2 टीम नॉर्थ 24 परगना में, 3 टीम साउथ 24 परगना और 3 टीम हमारी ईस्ट मेदिनीपुर में डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ स्टेट ने हमें बोला है कि 3 टीम और रिजर्व जो है रेडीनेस में रखने के लिए, हो सकता है वो भी जल्दी डिप्लॉय हो। कितने जवान इसमें काम कर रहे हैं? अभी हमारे अराउंड 200 जो है रेस्क्यूअर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं और अराउंड 100 रेस्क्यूअर्स जो हैं वो स्टेट ऑफ रेडीनेस में हैं। पाकिस्तानना पूर्व वडा प्रधान अने पीटीआईना वडा इमरान खान ने शुक्रवार इस्लामाबाद हाईकोर्टमांथी जामीन मळी गया छे। अल कादे ट्रस्ट केसमां हाईकोर्टे तेमने 2 अठवाडिया माटे जामीन आप्या छे। कोर्टरूम नंबर 3 सुनावणी हाथ धरवामां आवी हती। कोर्टमां सुनावणी दरमियान पीटीआई समर्थकोए भारे हुबाळो मचाव्यो हतो। इमरान खानना केसनी सुनावणी माटे 3 जजोनी बेंच हाजर रही हती। सुनावणी पहेला इमरान खान पोलीस लाइन्समां हाजर रह्यो हतो। भारे सुरक्षा वच्चे तेने इस्लामाबाद कोर्टमां लई जवामां आव्यो हतो। आ दरमियान इमरान खानना समर्थकोए इस्लामाबादनो श्रीनगर हाईवे बंद करी दीधो हतो। इस्लामाबाद हाईकोर्टमां पोलीस द्वारा चुस्त बंदोबस्त गोठववामां आव्यो।